हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास 3440 ऑडियो एम्पलीफायर है। तो ये जो ऑडियो एम्पलीफायर है सिर्फ बैटरी से चलता है, ट्रांसफार्मर पे नहीं। तो ये सिर्फ 12 वोल्ट की बैटरी इन देने पर ही ये चलता है। तो आज के इस वीडियो में इसमें हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे। तो जैसे कि मेरे पास ये दो वायर वाला ट्रांसफार्मर में मैं ये लगाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले इसे हम चेक करके देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, तो इसे मैं साइड रख देता हूँ और इसको मैं पावर लगा के देखेंगे चलता है या नहीं। तो यहाँ पे जो है पावर लगा देंगे, लाइट आ चुका है, ये भी चालू हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है बैटरी से चल रहा है। तो अभी हम इसमें ट्रांसफार्मर लगाएंगे। तो इस तरीके से मेरे पास दो वायर वाला ट्रांसफार्मर है, पर यहाँ पे एक रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो है चार डायोड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही डायोड है। तो एक डायोड हो रहने की वजह से यहाँ पे रेक्टिफायर नहीं बनेगा, तो इसे अलग से बना के इसे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले रेक्टिफायर बना के इसमें से हम आउटपुट पावर ले लेंगे, फिर उसमें हम लगाएंगे। तो कैसे लगाना है देखिए। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास चार डायोड है, तो जैसे कि इसका नंबर है 1N5402, तो इस तरीके से इसका नंबर है। अगर ये मार्केट में नहीं मिलता है तो इसकी जगह पे 1N5400 से लेकर 1N5408 तक कोई भी डायोड ले सकते हैं। तो ये जो डायोड है 3 एम्पियर का होता है, ठीक है। तो कैसे करना है देखिए। तो सबसे पहले हमें इसे रेक्टिफायर बनाना पड़ेगा। रेक्टिफायर बनाने के लिए इसके जो है पॉजिटिव पॉजिटिव शॉर्ट कर देंगे, और ये जो है दूसरे जो डायोड के हैं ब्लैक ब्लैक वाइट वाइट शॉर्ट कर देंगे। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और ये है नेगेटिव। तो देखिए इस तरीके से हमने डायोड को सोल्डर किया है, ठीक है। तो अभी ये जो है इसका जो वाइट पट्टा है ये पॉजिटिव है, और इसका जो ब्लैक पट्टा है ये नेगेटिव है। तो इसको हम ये कैपेसिटर पे लगाएंगे। तो मेरे पास ये कैपेसिटर है, 35 वोल्ट का कैपेसिटर है, 2200 UF का, ठीक है। तो इसका जो पॉजिटिव है ये साइड है, तो इस पर हम ये लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये जो है डायोड लग चुका है। अभी हम इस पर नेगेटिव लगाएंगे। तो इसका जो ब्लैक साइड है वो नेगेटिव है, तो इसे हम टर्न कर लेंगे। तो ये कैपेसिटर का वाइट पट्टा है वो नेगेटिव है, तो इसको हम ऐसे करके लगा देंगे। तो इस तरीके से ये जो है हमारे डायोड लग चुके हैं। तो इसे आपस में सोल्ड कर देंगे। तो देखिए ये कैसे बना है, इस तरीके से ये जो है रेक्टिफायर बना है। तो नेगेटिव साइड पर दोनों ब्लैक साइड आना चाहिए, और वो ऐसा जाना चाहिए, और वो पॉजिटिव पर एंड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वाइट पट्टा है, यहाँ पे वाइट पट्टा है। तो देखिए यहाँ पे वाइट पट्टा है, इस तरीके से वाइट पट्टा है। तो इस तरीके से ये जो है रेक्टिफायर बन चुका है। तो इसका जो कैपेसिटर के जो नेगेटिव है पॉजिटिव ये हम बोर्ड पर लगा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर के वायर लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये जो है ट्रांसफार्मर लग चुका है। अभी हम इसमें पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे। तो मेरे पास ये वायर है, तो इसका जो वॉलेट वायर है मैं इसे पॉजिटिव पे लगा देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है इसकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, हमारा जो है रेक्टिफायर बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम इसे साइड कर देता हूँ। तो अभी हम इस सर्किट बोर्ड पर देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे जो है एक ही डायोड है, ठीक है। तो एक डायोड पे जो ब्लैक साइड है वहाँ पे जो है बैटरी का वायर आया हुआ है। अगर हम यहाँ पे पावर देते हैं यहाँ पे और नेगेटिव लगाते हैं, तो ये जो है पावर बाहर भी देगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो डायोड के जो वाइट वाला पट्टा है वहाँ पे हम पॉजिटिव लगाएंगे। तो उसके पहले इसे खोल देंगे हम। तो देखिए, तो ये जो है हमारा बैटरी का वायर है, तो ये क्या कर रहा है, डायोड से अंदर जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे पावर देंगे, तो ये जो क्या करेगा, बाहर पावर नहीं देगा। तो इसका जो वॉलेट वायर है ये पॉजिटिव है।
और ये रहेगा नेगेटिव। तो देखिए ये इस तरीके से ये अच्छे से कनेक्ट हो चुका है नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसे अच्छा केयरफुली से अच्छा देख के लगा देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हो चुका है। तो इसे लगा के वायर हम छोटा भी कर सकते हैं, पर मैं इसे चेक करने के लिए इसे मैं बाहर ही रखूँगा। ठीक है, बाद में मैं छोटा वायर करके लगा दूँगा। तो यहाँ पे देखिए पावर लगाएंगे हम इसे। तो ये थोड़ा सा साइड कर देता हूँ और ये हमारा रेक्टिफायर। ठीक है, और ये हमारा स्पीकर। तो अभी हम पावर ऑन करते हैं। तो देखिए लाइट चालू हो चुका है। Play by USB drive. तो ये भी चालू हो चुका है। हटा देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये जो है हमने बनाया है रेक्टिफायर। तो इस तरीके से दो वाले ट्रांसफार्मर को हम एम्पलीफायर में इस तरीके से लगा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।